हमारी टीम आज ये पहला टूर्नामेंट यहाँ पर इनेकाद हुआ है। इससे पहले मैंने यहाँ खेला है, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। इससे पहले मैं पिछले साल आया था तो मैंने यहाँ पेड़ वेड़ देखे थे, ग्राउंड काफ़ी ख़राब था, लेकिन आजकल की जो ऑर्गेनाइजर बॉडी है उन्होंने ग्राउंड को बहुत ही अच्छा बनाया है और माहौल भी इतना अच्छा है कि यहाँ पर जो भी टीम आना चाहे वो खेल सके। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट है, काफ़ी ज़बरदस्त लोग हैं यहाँ पर, और मैं ये चाहता हूँ कि त्राल में जो टूर्नामेंट है लोग आए और इसको खेले। देखिए, त्राल के लिए खुशकिस्मती की बात है कि ये बड़े खिलाड़ी यहाँ पे आ रहे हैं आजकल, और आज भी बड़े नाम थे चाड़ूरा से और साथ ही साथ श्रीनगर के कुछ बड़े नाम आए थे खेलने के लिए। कल भी जो मुकाबला हुआ था उसमें डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के बड़े खिलाड़ी आए थे यहाँ पे खेलने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि त्राल के अंदर भी बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए। आई थिंक बच्चे एंगेज रहे या खेल कूद से पढ़ने से, ताकि इनका आने वाला टाइम का फ्यूचर मुस्तकम रहे एंड इनका फ्यूचर प्रॉस्परस रहे। ऐसे में यहाँ पे खेलने के लिए एक अच्छा स्टेडियम बना है एंड जहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल एंड इंडोर स्टेडियम भी हमारा अच्छा माशाल्लाह बना हुआ है। एंड यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि हम एक, चूँकि अब मौसम ठीक होने को जा रहा है, तो एक त्राल प्रीमियर लीग के नाम से हम एक टूर्नामेंट शुरू कर देंगे एंड ये आज से शुरू हुआ है। करीबन 64 टीम्स में पार्टिसिपेट करा रही है नॉकआउट प्रोग्राम के लिहाज से, एंड मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको अच्छा मैचेस देखने को मिलेंगे एंड काफ़ी लोग फिर आ रहे हैं फिर देखने के लिए। यहीं पर क्वार्टर मैच एंड सेमीफाइनल एंड फाइनल होगा, एंड फाइनल के लिए कुछ 75,000 भी इन्हें रखा है जो भी विनर होगा। एंड गर्ज हमारा ये है कि हमारे बच्चे अच्छे खेले एंड वो ना कि वो हमारा त्राल को रिप्रेजेंट करे, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे यूटी को रिप्रेजेंट करे, ताकि आने वाले टाइम में हमारा नाम भी रोशन करे।